दोस्तों, इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता जब तक उसके सामने कोई दिक्कत ना आए, मगर जब दिक्कत आती है तब वो अपनी ताकत को दिखाता है, महसूस कर पाता है कि वो कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ न जाने बदल सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, मैं हूँ जागृति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए सफर में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि हम जो हैं उससे बड़ा सोचने की हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन खुद को कमतर सोचने की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता होता है और दूसरा सही, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आसान रास्ता कभी सही नहीं होता और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। हर चीज़ मुश्किल होता है, ये सच है, और सच ये भी है कि इंसान जानता है कि सही फैसला क्या है, हर कोई समझता है, जानता है, पर जीवन में कभी नहीं उतारता। इसके बावजूद हम गलत फैसले चुनते हैं, क्योंकि वो गलत फैसले आसान होते हैं, वो रास्ता आसान होता है, क्योंकि सही रास्ते अक्सर मुश्किल होते हैं। अक्सर हम ये समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ पहले सीखना होगा, फिर हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन सही से देखें तो आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना होता है। ऊंचा उड़ने के लिए पहले हल्का होना होता है, और गौर करने वाली बात है कि जितना ऊपर उड़ना है उतना ज़्यादा हमें हल्का होना होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है बहुत कुछ नज़रअंदाज करना। जब तक हम अपने लिए कठोर नहीं बनते, ज़िंदगी हमारे लिए आसान नहीं बनती। हम सभी को अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीद होती है, बहुत कुछ हम इससे चाहते हैं, पर चाहने से हमें कुछ नहीं मिलता ना, कुछ भी नहीं मिलता तभी है जब हम उसके लायक होते हैं। चाहत हमारी उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है जिन्हें करना हमें अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, यदि हमें वहाँ जाना है जहाँ हम पहले कभी नहीं गए, तो हमें उन्हीं रास्तों से चलना होगा जहाँ पर पहले हम कभी नहीं चले। यदि आज हमें ऐसा कुछ हासिल करना है जो आज तक हमने हासिल नहीं किया, तो आज हमें ऐसा कुछ करना होगा जो हमने आज तक नहीं किया। तो चलिए, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और हो जाती है हमारे दिन की शुरुआत हमारे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरणों पर छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, हर रोज अपने आप से जीत रहा है। लग रहा था हमारा आटा, और आज आदू को कॉलेज नहीं जाना है, उसकी छुट्टी थी। 7:30-8 बज रहे थे आज सुबह सुबह ना, जब मैं ब्रश करने छत पर आई थी, मैंने अपने गांव की सड़क पर जो घर के मेरे सामने है वहाँ पर ना एक लड़की को जाते हुए देखा कॉलेज। वो बिल्कुल वैसे ही जा रही थी जैसे जब मैं जाया करती थी कॉलेज, मुँह बांध कर, पीछे बैग टांग कर, बिल्कुल वैसा ही अपना समय याद आ रहा था। और उसको देख कर पता नहीं क्यों मेरा मन करने लगा था कि मैं भी निकल पड़ूँ अपने कॉलेज। एक पल को तो बड़ा ही अलग सा लग रहा था, और सच बताऊँ तो सच में बहुत मन कर रहा था कि फिर से नहा धो के तैयार होके कॉलेज ही निकल पड़े। फिलहाल अभी हम आए थे किचन में, आज आदू को नहीं जाना था और सब्जी भी कुछ नहीं था हमारे पास, तो रात में हमने चने भिंगा के रखे थे छोले बनाने के लिए। चूँकि आदू को इधर बीच तो बिल्कुल मसाले खाने मना है, तो इसीलिए बिल्कुल हल्का सा तेल मसाला डाल करके हम छोले बना रहे थे। कुकर में ही बना रहे थे हम अपने छोले, तो मसाले को भून लिया था, तो अभी चने हमने डाल दिए सारे। कुछ चने जो हमने मैश करके रखे थे उन्हें भी साथ में डाल दिया, ऐसे ग्रेवी हमारी गाढ़ी अच्छी बनती है, नहीं तो चने अलग लगते हैं, ग्रेवी अलग लगती है। वैसे मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और जैसे ही ये सोचना शुरू करते हैं कि मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। और ये वाला मन में भाव ज़्यादा हावी हो उससे पहले ही लंबी लंबी सांसें लेकर के मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी थी। रोटियाँ ही चूँकि पहले तो सेकनी थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था हमारे पास, तो चने के छोले थे, तो हमने सोचा थोड़े से भटूरे बना लेते हैं। बहुत थोड़ा सा था, और वैसे भटूरे आदू तो खाएगी नहीं, बस मुझे ही अच्छे लगते हैं, और मम्मी यदि लेंगी तो लेंगी। पापा को हमने अलग से पोहा बनाया था, क्योंकि वो रोटी सब्जी या ऐसा कुछ भी नहा के ही खाना पसंद करते हैं। और अभी हम आए हैं अपने घर के पीछे मेहंदी के पत्ते निकालने के लिए। ये धीरे धीरे अब थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो हमने सोचा आज मेहंदी के पत्ते निकालते हैं और इसी का अपना घोल तैयार करते हैं बाल में लगाने के लिए। और साथ में हम चल रहे हैं अभी पुदीना का पत्ती लेने। पुदीना का पत्ती बहुत अच्छा रहता है हमारे बालों के लिए, ठंडक देता है हमारे सिर को। इन दोनों को शाम को पीसेंगे, अभी निकाल करके रख लिए ताकि शाम को कोई दिक्कत ना हो। एक बार जब मैं काम करना शुरू करती हूँ तो मेरा पूरा यही कोशिश रहता है कि सारे काम एक के बाद एक करके ख़त्म कर लूँ, और फिर आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ाई के लिए जुटूँ। क्योंकि बहुत बुरी आदत है मेरे अंदर कि यदि कोई काम अटका रहता है तो मेरा बार बार ध्यान उसी पर जाता है, और फिर इससे अच्छा है कि ध्यान उस पर जाए, उसे पूरा ही कर लिया जाए। वैसे मेहंदी के घोल में पुदीना पत्ता के अलावा हम गुड़हल के फूल, साथ में एलोवेरा, ये सब भी मिक्स करके उसका घोल बना सकते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ पुदीना की पत्ती ही थी, तो हमने उसी को ही लिया और नहा धो करके फिर हम आ गए थे। अभी उसे ढक करके रख दिया, शाम को उसे पीसेंगे।
नहा करके जब मैं आई आज अपने रूम में, तो थोड़ा सा समय ना था हमारे पास, आज जल्दी ही काम खत्म हो गया था, तो मैं लेकर के आई थी यादू की कला और संस्कृति की किताब। मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कला और संस्कृति वाला भाग। मैंने उसके एक दो टॉपिक पढ़े थे और फिर इसके बाद अपना टाइम टेबल स्टार्ट किया जो कि मैंने बनाया हुआ था कल रात में, क्योंकि सुबह मैं रिवीजन कर रही थी अपने इंग्लिश वोकैब को। रूट वर्ड्स आज खास तौर से मैं याद कर रही थी, और तो थोड़ा सा बचा हुआ था एक दो रूट वर्ड, तो उन्हीं का रिवीजन मैंने सबसे पहले किया। इंग्लिश वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जिन्हें कि हमें अपने तैयारी के पहले ही दिन से शुरू कर देना चाहिए तैयार करना, क्योंकि इन्हें तैयार करना बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये एक साथ अचानक से नहीं तैयार हो पाते हैं। इन्हें धीरे धीरे करके, एक दो तीन चार ऐसे करके हर रोज़ हमें धीरे धीरे तैयार करना होता है ताकि ये दिमाग में हमारे ठहर सके, टिक सके। इंग्लिश वोकैबलरी देखने के बाद आज मन कर रहा था मैथ्स कंप्लीट करने का। आज टाइम टेबल में तीन सब्जेक्ट हमने रखा था, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। अभी हिंदी का टाइम था लेकिन मैथ पढ़ने का मन हो रहा था, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हुए अपना टाइम टेबल हिंदी को हमने सामने रख दिया और मैथ्स को भी रख दिया है। मैथ पढ़ने का मन हो रहा था लेकिन कुछ अलग टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत दिनों से चल रहा था, अभी थोड़ा सा उसमें बचा भी हुआ है कंप्लीट करने को, लेकिन आज नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि DSSB एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ था लेकिन एक क्विक रिवीजन, और आदित्य रंजन सर के साथ मैं पढ़ना चाह रही थी क्योंकि पहले मैंने खुद से पढ़ा हुआ था, आज मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब पर उनके 16 से 15 वीडियोस थे, एक प्लेलिस्ट मिली थी डाटा इंटरप्रिटेशन की। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे अच्छे मैथ्स के, लेकिन मुझे आदित्य सर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सर के समझाने का तरीका और उनके कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आप पढ़ रहे हो DI, ठीक है, DI का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, यानी हम किसी भी डेटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? मैं YouTube पर हमेशा उन्हीं के वीडियोस ढूंढती रहती हूँ मैथ्स के लिए, और साथ में बुक से प्रैक्टिस। पहला ही क्लास शुरू किया था सर का कि तब से डिलीवरी आ गई थी हमारी, ऑर्डर किया था हमने मोचा, वैसे दो तीन चीज़ें और हमने ऑर्डर करी थी लेकिन काफ़ी लेट, पता नहीं क्यों आ रहे हैं आजकल अमेजोन के पार्सल। ये मोचा खुद 7 से 8 दिन बाद आया था जबकि डिलीवरी डेट और पहले की थी। बाकी फिर समय हो गया था खाना खाने का, तो हम लोग छत पर गए थे खाना खाने और वापस आ करके वापस से लग गए थे अपना क्लास कंप्लीट करने के लिए। इतना अच्छा लगा था क्लास सर का कि धीरे धीरे ही 6-7 वीडियो कब बीत गया पता ही नहीं चला था। सोचा था सिर्फ 3-4 ही वीडियो करेंगे, क्योंकि आज हिंदी का ना हमें पूरा रिवीजन करना था जितना अभी तक हमने पढ़ा था, तो आज सोचा था पूरा उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर कल पूरा प्रैक्टिस करेंगे जितने भी PYQs हैं हिंदी के DSSB एग्ज़ाम के। लेकिन समय अभी भी हमारे पास काफ़ी है, अभी बज रहे थे 5:00 और मम्मी ने बिल का शरबत बनाया था, तो हम लोग छत पर आए थे हम और आदू। मौसम आज बड़ा ही अच्छा हो गया था, दिन भर धूप नहीं था और शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था छत पर। तो हम और आदू बैठ गए थे छत पर ही थोड़ी देर के लिए, सोचा यहीं पर पढ़ते हैं आगे के लिए, लेकिन फिर आदू को स्वच्छ भारत मिशन पर ना एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, तो वही सारी बातें वो कर रही थी कि कैसे कैसे करना चाहिए प्रोजेक्ट की तैयारी। बातों बातों में अंधेरा भी हो गया और हम आ गए वापस नीचे, और अब जो हमारी हिंदी बच गई थी उसे अब हम चल रहे थे अपना कंप्लीट करने के लिए। और आप सभी लोग पूछ भी रहे थे कि मैं हिंदी कैसे पढ़ती हूँ, तो उस बारे में भी हम आज बात करेंगे। जब मैं UPTET या CTET की तैयारी कर रही थी, तो हिंदी की तैयारी के लिए मैंने ना, एक मेरे पास कक्षा 8 की किताब है, अदिति के स्कूल की किताब थी, मैंने उसी को पहले पढ़ो उसी को पढ़ा था, क्योंकि हिंदी को छोड़े बहुत समय हो गया था, वो एक रिवीजन चाहिए था ताकि वो जो बेसिक ग्रामर है वो क्लियर हो सके, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हिंदी को लेकर के वो क्लियर हो सके। तो मैंने उसी किताब से अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर की थी और वो बहुत अच्छी किताब है। जब वो किताब पढ़ ली, तो फिर इसके बाद ना ये देखा कि UPTET के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पूछ जाते हैं ग्रामर के और क्या रिक्वायरमेंट है हिंदी सिलेबस की, और फिर उस हिसाब से टॉपिक वाइज सर्च करना शुरू किया और UPTET के जो पुराने पेपर थे उनको देखा, तो एक एनालिसिस कर पाई कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह तैयारी होनी चाहिए। मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था UPTET के लिए या CTET के लिए, सेल्फ स्टडी किया था, तो सब कुछ YouTube से ही, जो नहीं आता था वो YouTube पर सर्च करना और फिर उसी से तैयारी करना ऐसा था। YouTube से ही मैंने एक हिंदी के बहुत अच्छे टीचर मिल गए थे मुझे YouTube पर, जिनसे कि मैंने सारे टॉपिक वाइज क्लियर किया था ग्रामर, और भी नाम तो नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे सर थे। वैसे बहुत सारे लोग हिंदी के प्रिपरेशन करा यूट्यूब पर, तो हमें छाट कर हमें जो जिनका क्लास करना अच्छा लगता है, जिनका हमें समझ में आ रहा है, हम उनसे अपना टॉपिक वाइज भी क्लियर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने UPTET के सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर ये सब सॉल्व किए थे। CTET में चूंकि ग्रामर इतना पूछता नहीं है, थोड़ा बहुत जो ग्रामर पूछता है वो UPTET की तैयारी के दौरान जो तैयार हुआ था उसी से हो गया था, 2-4 नंबर का ग्रामर उसमें पूछता है, बाकी तो उसमें गद्यांश पद्यांश से प्रश्न रहते हैं और
हिंदी के पटाखे से प्रश्न रहते हैं जो कि हिमांशी मैम से मैंने पूरा अपना तैयार किया था। जब DSSB या सुपर टेट एग्जाम की बात आई थी तब मन में था कि एक बैच लिया जाए और प्रॉपर अच्छे से तैयारी की जाए। तो पिछले साल मार्च महीने में मैंने करिकुलर पर बैच लिया था DSSB PRT के लिए, क्योंकि पिछले साल से ही ऐसा हुआ है कि DSSB PRT की वैकेंसी आने वाली है जो कि अभी तक तो नहीं आई है, और ऐसी आशा की जा रही है कि चुनाव के बाद वैकेंसी देखने को मिले। UPTET और CTET की तैयारी के दौरान तो हिंदी की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हाँ, फिर जब बैच किया था DSSB PRT के लिए तो फिर वहाँ पर करियर ग्रुप पर एक सर है अरुण सर, उनसे हिंदी पढ़ा था। काफ़ी कुछ और नया जानने को मिला, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत सारे हिंदी के जो डाउटफुल क्वेश्चंस बनते हैं जिनको कि हम आसानी से लगता है कि हमने सही किया लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या रूल्स होते हैं हिंदी के, वो सब कुछ जानने को मिला। तो वहाँ से अच्छी पकड़ अभी हिंदी पर होने लगी है। और साथ में मैंने ना एक आदित्य की वाली बुक खरीदी है हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए। इसमें तो कंटेंट भी है सारा हिंदी का, जितना भी कुछ टॉपिक इसमें है इसमें सब कुछ अच्छे से समझाया भी हुआ है, और साथ में इसमें प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब है, इसमें सब कुछ कंटेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हम सभी का तैयारी करने का अपना एक लेवल होता है, हमारी अपनी अलग अलग शुरुआत होती है। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना होता है, हमसे अच्छा हमें और कोई भी नहीं जानता है। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना होता है कि हम किस लेवल पर हैं और हमें किस लेवल से शुरुआत अपनी करनी है। यदि हमें अपने आप को अच्छे से हमने जाना है तो फिर हमारी तैयारी के लिए हम अच्छी खासी अपने आप से रणनीति बना सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है, हमें किस लेवल से शुरुआत करनी है, और फिर उस अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को, अपनी रणनीति को तैयार करना चाहिए। DSSB PRT एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी में तीन चीज़ तैयार कर रही हूँ। पहला तो जो सर का मैंने पढ़ा था करियर व्यू पर, जो सभी क्लासेस थी जो उनके नोट्स थे वो मैं सबसे पहले इन्हें रिवीजन करती हूँ, बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया है। और फिर इसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस, आदित्य पब्लिकेशन से प्रैक्टिस, साथ में PIQs DSSB एग्जाम के, DSSB जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो TGT के हो, PGT के हो या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सारे PIQs में हैं, तो इसे सॉल्व करती हूँ। साथ में ये दोनों, साथ में यदि यूट्यूब चैनल की बात करो तो अरुण सर का ये यूट्यूब चैनल है एक, हिंदी बाई अरुण सर करके, और उसी चैनल को मैं फॉलो करती हूँ। वहाँ पर सर ने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, क्वेश्चंस डाले हिंदी के टॉपिक वाइज, और जिससे कि प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। और साथ में सर हर तरह के कई सारे नए क्वेश्चन भी कराते हैं, तो वहाँ से मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और यही मेरी पूरी हिंदी की तैयारी की रणनीति है। कंटेंट आदित्य पब्लिकेशन वाली किताब में भी है, साथ में यदि हमें यूट्यूब पर कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो हम उन्हें उनसे भी टॉपिक वाइज सब क्लियर कर सकते हैं। हमें सब देख लेना है और फिर एक चीज़ को डिसाइड करना है और फिर लास्ट समय तक उसी पर अडिग रहना है, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।